बहुत आदमी यहाँ के वीरगंज में देखेलाम या हमने के परसे जिला में या नेपाल अदृश्य में हम कहते नहीं हीरो लोग तो अपन खेत बाड़ी बेच के ले आवे नहीं लोग लेकिन फिल्म चलबे ना करेला अपने कितना खेत बेच ले बनी मधेश में फिल्म शूट होला फिल्म चलबो करला लेकिन अश्लील गाना के प्रति स्थानीय लोग फिल्म देखे ना जाए के चाहे फिल्म तो बहुत रोल उत्साहित होकर बनावे लोगिन लेकिन अपने लगाए जे मधेश में फिल्म अशब्द भाषा के प्रयोग करके बना रहा बनी लोग गलत गाना डाल देता नहीं लोग अर्धनंगन डाल देता नहीं लोग ओकरा प्रति अपने का कहे के चाहता नहीं आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार रातोपना न्यूज नेटवर्क द्वारा संचालित रातोपना .com में स्वागत करता नहीं हम अनिल गुप्ता और फरक फरक विषय वस्तु लेके फरक फरक ठाव में पहुंचे नहीं लेकिन आज पहुंचल बनी बीरगंज के महानगर पालिका अंतर्गत में मेडिकल कॉलेज पड़ला मेडिकल कॉलेज के बगल में एक नर्सरी पड़ला रोल से तो बुलाई नहीं हुई लेकिन चलिए हमने के कैमरा पर्सन से साथ दे रहा बनी उपेंद्र शाह और ये फिल्म के शूटिंग चल रटे नेपाल में फिल्म तो बहुत शूटिंग होला लेकिन भोजपुरी फिल्म यहाँ शूटिंग होता फिल्म कब से शुरू भेल कौन फिल्म अटे कितने के लगानी बटे हमने के यही अंतर में रहकर फिल्म के डायरेक्टर बनी निर्देशक बनी नायक बनी नायिका लोग से हमके बातचीत कल जाए सर नमस्ते नमस्ते स्वागत सर रातोपना .com में थैंक यू सर जो अलिस्ट चाहिए हमारे फिल्म शूटिंग भैर बीरगंज को नेशनल मेडिकल कलेज के छेव में नर्सरी इसमें शूटिंग चल रहा तब इसमें के करूँ फिल्म में मैं मेन निर्देशक कर फिल्म में और यो फिल्म चाहिँ हामी भोजपुरी में बनाउँदै छौ आदरणीय दर्शक बिन जन फिल्म चलता टे शूटिंग होता टे उ फिल्म के निर्देशक बनी और ये फिल्म कितना के लागत में बटे ये फिल्म कितना दिन के शूटिंग हुई और कब हमने के सिनेमा हॉल में लागी हमने के बातचीत कर जाए सर जो ये फिल्म चाहिए शूटिंग भैर कति को कति लाख को लागत में अब ये फिल्म को लगानी चाहे लगभग मिनिमम नहीं हो 20-25 जति मात्रै छ लगानी इसको सर अहिलेसम्म कतिवटा चाहिँ फिल्म में तपाईले डाइरेक्टली आफ्नो गरिसक्नु भएको छ मैले लगभग 4-5 में गरिसकेको छु डाइरेक्सन एज ए डाइरेक्टर सर हेर्दाखेरि बीरगंज में चाहिँ शूटिंग गर्न चाहिँ धेरै चाहिँ कलाकारहरू आउनुहुन्छ नायक नायिका जीवहरू आउनुहुन्छ डाइरेक्टर पनि निकै आउनु भएको छ तर मधेश में चाहिँ फिल्म तो शूटिंग हुन्छ लगानी तो तपाई आफ्नो गर्नु गर्नुहुन्छ तर निकै हल में चाहिँ खेसारी लाल र निरौवा बाहेक यस्तो यस्तो तहको चाहिँ फिल्म चल्दैन सर यसमा तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ हेर्नु अब मार्केट पनि धेरै चेन्ज भइरहेछ जुन हामी अहिले फिल्म गर्न गइरहेछौं हाम्रो बीरगंजकै हुनुहुन्छ र उहाँ विदेश लगायत उता पनि उहाँको बिजनेस छ अनि उहाँकै लगानी पनि छ के भन्छ भने यस फिल्ममा चाहिँ नायक र नायिका नायक कहाँको हुनुहुन्छ र नायिका कहाँको हुनुहुन्छ र यस फिल्ममा कतिवटा सङ्गीत राख्नु भएको छ तपाईँहरूले अब सङ्गीत हामी 4-5 राख्ने हो र नायक चाहिँ हाम्रो पहिलाकै यहाँ रिलिज भएको मेन्टलासिकको नायक हुनुहुन्छ सावन पण्डित भनेर अनि नायिका चाहिँ हामी अब नेपालको पनि हुनुहुन्छ यहाँ र अर्को चाहिँ तनुश्री दत्ता पनि हुनुहुन्छ सर अब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँले गाना चाहिँ सुटिङ गर्दै गर्दै जानुहुन्छ तपाईँहरूले अनि बिचमा चाहिँ यस्तो चाहिँ अर्धनङ्गन जस्तो फिल्म सुट गरिदिनुहुन्छ अश्लील गाना राखिदिनुहुन्छ भने यस्ता नै जनताहरूले फिल्म हेर्नको लागि आफ्नो बुवा आमा श्रीमती छोराछोरीलाई बच्चालाई लिएर फिल्ममा जान चाहनुहुन्न यसमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ अब हेर्नु म अब असिस्टेन्टको कुरा गर्दिनँ होइन तर म जुन जुन फिल्ममा डाइरेक्ट गरिरहेछु त्यो फिल्ममा तपाईँ वल्ग्यारिटी देख्नुहुन्न ग्ल्यामर देख्न सकिन्छ होइन ग्ल्यामर जुन बलिउडले पनि देखाउँछ तर देखाउने तरिका हुन्छ होइन एउटा हल्का एक्सपोज गर्दाखेरि पनि हामीलाई आँखालाई राम्रो देख्नु पर्यो मेरो फिल्ममा त्यो चिज हुन्छ वल्ग्यारिटी र त्यो गन्दगी हुन्छ नि त्यो त मेरो फिल्ममा छैन 2-3-4 जति मैले फिल्म गरेको तपाईँ मेन्टल आसिक हेर्न जानुहुन्छ भने तपाईँले कतै पनि लाग्दैन कि त्यस्तो हामी नग्नता गरेको र बिस्तारै पब्लिक पनि बुझ्दै गइरहेछ र इन्डस्ट्रीमा पनि धेरै जसो उहाँ हुनुहुन्छ कि अब त्यस्तो वल्गर फिल्महरू लिनुहुन्न पारिवारिक फिल्म ल्याउनु र हामी पनि पारिवारिक फिल्म नै बनाइरहेछौँ र अब हाम्रो पनि आफ्नो कल्चर र संस्कार छ र अब यो हो कि भोजपुरीमा जति कुनै देखाउँछ नि मान्छेहरू त्यति त हाम्रो
वल घर में हुँदैन र भैया भौजी चाचा चाची जति पनि हुन्छ नि या साला साली यो म आफै पनि अब म्यारिड हो तर त्यस्तो त गर्दैन कि त्यो जुन गाना देखाउँछ नि त्यो त्यस्तो त हुँदैन हाम्रो कल्चरमा बहुत शिष्टाचारिता छ तर त्यसलाई नै अब कसरी कम गर्न सकिन्छ हामी पनि काम गर्दैछौँ आदरणीय दर्शक वृन्द हमने के पानी से रातोपना न्यूज नेटवर्क द्वारा संचालित रातोपना डट कम में पानी सन और फिल्म हमने के मधेश में फिल्म शूट होला फिल्म चलबो कर रहा लेकिन अश्लील गाना के प्रति स्थानीय लोग फिल्म देखे ना जाए कैसे बीतल वर्ष में विगत वर्ष में मेंटल आशिक फिल्म बनी ले रही डायरेक्टर यहीं के रही सर अब हेर्दाखेरि सर मेन्टल आशिक फिल्म तो तपाईले नै डाइरेक्टरी गर्नुभएको थियो तपाईहरुको प्रोजेक्टले बनेको थियो तर त्यो फिल्म बढी दिन चलेको पनि थिएन यसमा तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ अब बढी दिन त हिन्दी पनि चल्दैन साउथको पनि चल्दैन कुनै चल्छ कुनै चल्दैन होइन तर जतिखेर यो अब नेपालमा कस्तो रिस्पोन्स थियो त्यो मलाई थाहा छैन तर पनि वन विक जति चलेको हो र तपाईँलाई म भनिदिन्छु बम्बेमा जहाँ भोजपुरी फिल्म रिलिज हुन्छ नि त्यहाँ लगभग अब वन विक मैले भन्न मिल्दैन वन विक त वन विकै चलेको हो तर तपाईँको तिन दिन यस्तो थियो कि मान्छे उभेर हेरेको यो फिल्म एउटा अलगै फ्लेभरमा आएको फिल्म हो र तपाईँको पटनामा पनि बहुत राम्रो चलेछ त्यस्तो पनि छैन इनफ्याक्ट कि हाम्रो अब यस्तो भन्न मिल्दैन तर खेसारीजीको पनि मुभी थियो र यो पनि मुभी लगभग बराबर बराबर उसमै चलिरहेको थियो क्राउडमा पनि र अरू फाइनेन्सियलमा पनि ठिकठाकै चलिरहेको थियो त्यस्तो पनि छैन सर अब चाहिँ हामी चाहिँ अब हजुरको व्यक्तिगतमा कुरातिर लाग्छौँ अब चाहिँ तपाईँ चाहिँ यत्रो यो लठीले हिँडिराख्नु भएको छ आदरणीय दर्शक पनि देखेर जाउँ निकै डाइरेक्टर साहेब अनि यता समयदेखि फिल्म बनाएको उत्साहित रहे नि लोग लेकिन हामी गाउँघरमा कहिनी छन् कि लठी लेके चले जाला कहके लठी लेके चलते चले नै कि सकत बावजुद भी फिल्ममे अपन ध्यान केन्द्रित गरेर फिल्म बनाउने यो चाहिँ लठीले हिँड्ने सर तपाईँको के छ प्रब्लम के हुन सकिन्छ होला प्रब्लम नर्मली त अब गठिया नै भनिन्छ तर गठियामा पनि अब इङ्ग्लिसमा अहिले एन्कोलाइजी स्पन्डलाइटिस भनिन्छ म आइटीमै गर्दाखेरि 2019 गएको थिएँ म त्यहाँ दिल्ली पढ्नलाई कम्प्युटर पढ्न गएको थिएँ अनि त्यहीँ चाहिँ 2001 स्पाइनबाट यो घाँटी यो गर्दनतिर सर्भाइकल स्पाइनल स्पन्डलाइटिस भनिन्छ त्यसलाई बिस्तारै हानेको तर पहिला थाहा हुन्थेन अहिले अब लगभग 5-7 महिना 8 महिना जति भनौँ न त्यो लगभग यस्तै हिपमा चाहिँ हिप जोइन्ट भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ इफेक्ट पारेको अलि बढी किनभने वेट त्यहाँ धेरै पर्छ अनि बिस्तारै अब बिग्रिँदै गइरहेछ भन्ने छ ट्रिटमेन्ट पनि चलिरहेछ त्यसैले अब एकचोटि घरमै बसौँ त्यो पनि हुँदैन होइन अब अरूहरू पनि हाम्रो क्लाइन्टेल सपोर्ट पनि छ अब उहाँलाई मेरो काम राम्रो लागिरहेछ भने अब राम्ररी सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ र अब घरमा बसेर र हिम्मत हारेर पनि के गर्नु होइन त्यसैले अब सुरु गरेँ सर तपाईँसँग बिदा लिन्छु सर नमस्ते थ्याङ्क यू नमस्ते नमस्कार स्वागत भयो तपाईँलाई डट कममा धन्यवाद कुन फिल्मको सुटिङमा पनि हो हमार पतिदेव आदरणीय दर्शक वृन्द रातोपना न्यूज नेटवर्क द्वारा संचालित रातोपना डट कममा पनि छन् निकै और देखि लिएर फिल्मको सुटिङ हो तरल मधेसमे मधेसी कल्चरको देखके फिल्म सुट होला हमार पतिदेव फिल्मके एगो बाबाके नृत्य अपन कहिले पनि ओहिसँग निकै बातचित गरे सर यी फिल्ममे केतना गो गाना बाटे और केतना घन्टाको यी फिल्म बाटे यी घन्टामे देखल जाउ त यी 2 घन्टा से लगभग 2 घन्टा 10 मिनट यही हिसाबमे बा अरे फिल्ममे बाबाके रोल राखेके अपने ही फिल्ममे बाबा बनल बानी बाबाके सिन अपनेके बाटे लेकिन ई फिल्ममे बाबाके सिन राखेके मेन उद्देश्य का हो सकेला उद्देश्य यही है थोड़ा सा हमने के इंटरटेनमेंट कराए खातिर बाबा के देखावल गेल बा मतलब एमे फैमिलियर फिल्म बा पहली बार भोजपुरी मतलब हमने के देखी कि बल मेंटल आशिक फिल्म बनला के बाद हमने के खुद ही टीम मेंटल आशिक फिल्म बन ले रहे और ओकर सफलता के बाद हमू को अभी खुद काठमांडू में थिएटर कर रहल बानी पढ़ रहल बानी डायरेक्शन पढ़ रहल बानी और यही अंतराल में हमने के अभी 4 फिल्म कर रहल बानी सन हमार पतिदेव ओकर बाद कथी कहला जानकी और भी फिल्म बड़ा सन पटना जंक्शन एगे डेंजर जोन तो फिल्म के हमने के उद्देश्य बाकी भोजपुरी जितना साफ भाषा बानू कुछ फिल्म मेकर
कुछ लेखक कुछ गीतकार ओकरा के बिगाड़ देलक लोग, मतलब एकदम गंदा देखा के, मतलब हमनी के जितना देखल जला भोजपुरी में जितना समाज में छेकन बाटे उ गीत में फिल्म में ओसन चीज ना दिखाई दे वाला, तो हमनी के कुछ परिवर्तन कर रहल बानी सन, बहुत चीज चेंज कैले बानी सन हमनी के। अब पहले पहले देखल जाए तो गीत में एकदम अश्लील गाना रहे, पर हमनी के फिल्म में भी अश्लील गाना एगो भी ना रहे, मेंटल आसिक में एहू में नहीं खे, हमार पतिदेव में भी नहीं खे, जानकी में भी नहीं खे, एकदम पारिवारिक फिल्म, बाकी सब केहू देखो एक साथ बैठ के। सर देखल हम कि मधेश में अपने एगो कलाकार बनी और ये फिल्म के हमार पतिदेव फिल्म के अपने एगो कलाकारिता क्षेत्र से जुड़ल भी बनी, फिल्म तो बहुत लोग उत्साहित होकर बनावनी लोगिन, लेकिन अपने लगात जे मधेश में फिल्म अशब्द भाषा के प्रयोग करके बना रहा बनी लोग, गलत गाना डाल देता नहीं लोग, और दनंगन डाल देता नहीं लोग, ओकरा प्रति अपने का कहे के चाहत नहीं। बस ये कहम कि रौड़ा उ गीत बनावत नहीं या फिल्म बनावत नहीं, सोची बुझी कि उ अपन बहिन मतारी घर में देखाम तो उन लोग के कैसन लगी, भाई देव उनकर बहिन मतारी के ठीक लागता तो उ रौड़ा व्हाट्सअप हो गई या मतलब कुछ कहीं फेसबुक ऑनलाइन या जोन मीडिया में रह चलाए के बा यूट्यूब में चलाए के बा तो ठीक बा, कहीं अपने घर के लोग के निमन ना लगे और बाहर के सुनावे खातिर रौड़ा बनावत नहीं तो हम तो कहमी ठीक नहीं खेल, कहे कि पहले अपना घर में संतुष्टि हो पड़ल कि हाँ अपने घर के लोग के पहले दिखाना दी कि हम ऐसा फिल्म बनैनी हाँ निमन बाकी ना। चलिए अपने से विदा लें, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार, स्वागत अपने के। धन्यवाद। सबसे पहले रातों पाना जितना भी देखा तारन अपने के टीम के बहुत सारा धन्यवाद देवे के चाहता नहीं। अपने के नाम कौन सी परी? हमारा नाम सावन कुमार पड़ल सर। घर कहाँ परी? घर ही बीरगंज नागवा में। देखल जाए अपने के फिल्म शूटिंग होता है, हमार पतिदेव फिल्म के शूटिंग चल रहा है अभी, लेकिन बीतल वर्ष में यहाँ के स्थानीय लोग अधिक होता है, बीतल वर्ष में अपने के मेंटल आसिक फिल्म चल रहे, वो फिल्म के नायक अपने ही रहनी जी। कितना दिन फिल्म चला रहे? वो फिल्म 10 दिन चला रहे चारू हॉल में बीरगंज के, नेपाल के पूरा जगह लगा रहे, काठमांडू पोखरा बहुत सारा जनर जनकपुर कलैया जीतपुर चारों तरफ चला रहे, इंडिया के भी पूरा स्टेट में चला रहे। मेंटल आसिक फिल्म में लगानी कितना भाई? लगानी 1 करोड़ जितना कराया है नेपाली। रिटर्निंग भाई? हाँ रिटर्निंग 7.25 करोड़ जितना के रिकवरी भाई रहे। अभी ये फिल्म चल रहा है, ये फिल्म कितना के लगानी में बैठे? ये फिल्म 4 गो फिल्म एक साथ बन रहा है, 2 से 3 करोड़ के बजट में 4 गो फिल्म बन रहा है। ये फिल्म में कथी के सीन बैठे? हम ये फिल्म में मेन एक्टर वानी, लीड रोल में काम कर रहा बानी, फिर हीरो के ही सीन मिल गए अपने जी सर, हीरो के ही सीन। देखल जाए सावन जी अपने के एगो हीरो के रूप में आ रहा बानी और देश के कर्णधार भी रूप बानी, लेकिन फिल्म में ही अपने के ध्यान केंद्रित काहे बाटे? काहे कि बचपन से जौन रहे न इंटरेस्ट हमरा एक्टिंग लाइन से तेरा जुड़ल रहनी, और भैया जौन वाला जौन फिल्म इंडस्ट्री के ही रह, तो इंटरेस्ट भी रहे बचपन से कि फिल्म लाइन में काम करी, कुछ अपन देश के नाम पहचान करी, मधेश के कुछ नाम रोशन करी, वैसे फिल्म इंडस्ट्री में सर। बहुत आदमी यहाँ के बीरगंज में देखे लम या हमने के परसे जिला में या नेपाल अदृश्य में हम कहते नहीं, हीरो लोग तो अपन खेत बाड़ी बेच के ले आवे नहीं लोग, लेकिन फिल्म चलबे ना करेला, अपने कितना खेत बेच ले बनी? सर खेत बेचे के तो ना कहल जाओ, ऑडिशन दे नहीं ठीक बा, ऑडिशन देला के बाद ऑडिशन में सेलेक्ट होई नहीं तो अब केहू डायरेक्ट जाला तो ओकरा खेत बेच के काम करे के पड़ेला, अपने केहू में अपने में जैसे में कहल जाला कुछ काबिलियत बा या कुछ अपने लेन बा हुनर तो अपने ऑडिशन दी, अच्छा प्लेटफॉर्म मिली, अपने काम कर सकते हैं। का अपने के विश्वास बा ये फिल्म जो नाम रखल बा हमार पतिदेव फिल्म जी चली? जी हमारा बहुत आशा बा, काहे कि हमरा ऐसे आशा बा कि जो हम फर्स्ट फिल्म मेंटल ना सिखाए रहे, बहुत ज़्यादा प्यार दुलार मिल रहे और रिपीट भी चल रहा है वो फिल्म, एक दाल तो चल के हटला के बाद भी पब्लिक के डिमांड से रिपीट भी चल रहा है, उससे आशा और विश्वास बा कि ये फिल्म भी बहुत अच्छा चली। सावन जी देखल हम कहे कि हम मेंटल आसिक के नाम भी बहुत अच्छा नाम रखल गए रहे, लेकिन ये भोजपुरी फिल्म के नाम हमार पतिदेव नाम सुन के जी अपना वाइफ के साथ में जाए के चाहिए, अपना बहन के माई के साथ में जाए के चाहिए, भाई भौजाई के साथ में जाए, लेकिन ये फिल्म देखे जाए लोग जाए बहुत जाए, क्या कि इससे पहले अब मेंटल नासिक जो मूवी रहे ना एक्शन ड्रामा रहे,
आ जौन हमार पति देव बा एक्शन ड्रामा और कॉमेडी मूवी बा तो इससे फैमिली सके अच्छा लगे कुछ फैमिली के लिए संदेश दिल गए बा अब स्टोरी तो विजुअल ना करे के मिलत पर फैमिली में हमने के का घटना हो गया टाइटल से ही विजुअल हो रहा बा कि हमार पति देव जी पति का कर सकेला ना कर सकेला वो अब सिनेमा हॉल में जाके इन्जॉय करे उस चीज़ के स्थानीय लोग कथी कहता जो अपने शूटिंग चल रहा बा सीट पर ही बनी से हमने स्थानीय लोग कथी कहता कि परसा जिला में या बीरगंज के ही सिनेमा हॉल में खेसारी लाल के फिल्म चलेला नीरवा के फिल्म चलेला एक एक महीना डेढ़ डेढ़ महीना फिल्म चलेला लेकिन यहाँ के स्थानीय कलाकार लोग के फिल्म तुरंत ही फिल्म के पर्दा पर से हटा देवल जला वैसा कुछ नहीं है जैसे में मेंटल आसिक जब आई रहे तो हमने के चारों हॉल में चल रहा है जैसे पवन भैया खेसारी जी या और सर बारह बारह स्टार के फिल्म चल रहा है वैसे ही हमने का मेंटल आसिक चल रहा है और एक बार चीज़ का हो गया ना अपने वो लाइक फिल्म बनाए या वो हिसाब से मेकिंग रही या वो स्टोरी रही तो अपने केहू के भी फिल्म चली अच्छा और वो स्टोरी ना रही या मेकिंग अच्छा ना रही और फिल्म में वेट ना रही तो केहू के भी फिल्म ना चली या बारह स्टार हो या नया स्टार हो ये फिल्म के वजन अपने ही पर ही बैठे अपने हीरो बनी फिल्म के वजन अपने ही भाई एक दू गो तराजू रहला तराजू रह दू गो पलरा रहला लेकिन अपने मेन बटखाड़ा कह जाला हमनिके समाज में बटखाड़ा अपने बनी और समाज हमनिके कितना वजन धरी तो अपने दबाई में कह के लेकिन ये फिल्म में को गो अश्लील गाना बाटे अश्लील गाना हमारा फिल्म में नहीं है क्योंकि मेंटल आसिक में भी अश्लील ना रहे चारों प्रोजेक्ट में भी अश्लील गाना एक भी नहीं है पर हाँ समाज से हमारा ये उम्मीद बा कि जितना मेंटल आसिक के फर्स्ट हमारे डेब्यू मूवी में प्यार दुलार दिले रहे उससे ज़्यादा ये मूवी के दी क्योंकि लोग सके आशा विश्वास बा कि जो मेंटल आसिक में जौन चीज़ ना हो रहा है फिल्म में देखे के मिली अर्धनंगन कितना बाटे हाफ कपड़ा में वीडियो कितना रख लें ये भी नहीं के कुछ सर वैसा पूरा फैमिली ड्रामा बा ये फैमिली के साथ बहन दीदी वाइफ सबके साथ जाके देख सकता नहीं फिल्म अपने के दर्शक रातोपना न्यूज नेटवर्क तरह संचालित देख रहा बानी लोग अपने अपन दर्शक लोग के क्या कहें हम दर्शक लोग के ये करम कि कहे के चाहता नहीं कि ऐसे ही प्यार दुलार देते रही और आता पाना के भी ऐसे ही प्यार सपोर्ट दी क्या कि टीम के एक अर्का के सपोर्ट से ही आदमी बढ़ल जाला अब रातो पाना हमने के सपोर्ट कैला कोई सही है रातो पाना के बहुत सारा धन्यवाद देवे के चाहता नहीं आए वाला दिन में जैसे बारह बारह स्टार के सपोर्ट करे नहीं तो लोकल कलाकार सके भी ऐसे ही अपने से सपोर्ट करते रही बिहान के दिन में देश समाज के नाम आगे बढ़ी ऐसे ही हम ये कहें कि जैसे मेंटल आसिक के प्यार दुलार दे नहीं ये मूवी के भी हमारा वैसे ही प्यार दुलार चलिए अपने सभी जाले नमस्ते थैंक आदरणीय दर्शक भी हमने के रातोपना न्यूज नेटवर्क द्वारा संचालित रातोपना .com में अपने देख लो बनी मेंटल आसिक फिल्म जोन विगत वर्ष में सिनेमा हॉल के पर्दा पर चल रहे और आयल भी रहे जगह जगह पर पोस्टर भी साटल गए रहे मेंटल आसिक के नायक ये कहें और हमने के विदा दी नमस्ते नमस्कार प्रणाम।